जगदलपुर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक 3 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे। प्रबंधक निदेशक ने प्रसंस्करण केंद्रों का निरीक्षण के दौरान बताया कि बस्तर की 32% आबादी वनोपजल पर निर्भर है। हर साल 50,000 करोड़ का रॉ मटेरियल बस्तर के वनों से निकाला जाता है। वर्तमान में वनधन समिति के जरिए वन उपज की खरीदी की जाती है। देश दुनिया तक वन उपज पहुंचाने के लिए उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई गई है। प्रत्येक उद्योग में 10,000 महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। बस्तर संभाग में 10 उद्योग स्थापित करने की योजना ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बनाई है। जो बस्तर का जो हृदय है वो यहाँ के वनों में बसता है और बस्तर के वनों में पर लगभग बस्तर की 32% आबादी आधारित है और इनका लगभग 50,000 करोड़ का रॉ मटेरियल इन वनों में संग्रहित है जो हर साल इसका विक्रय होता है। अब उसको उन आदिवासियों के हित में क्या किया जाए कि अधिक से अधिक उनका लाभ आदिवासियों को मिले, क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसमें उनको मालिक बनाया गया है। लघु वनोपज का मालिक बस्तर के आदिवासी है, जंगलों के लघु वनोपजों का मालिक आदिवासी है। तो उस मालिक को क्या किया जाए कि वो मालिक के रूप में अपनी आय में 3 गुनी 4 गुनी वृद्धि करे। तो बस्तर में ये बंधन की योजना लागू की गई है।